Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 8 of class 7th Geography. And the chapter's name is Human-Environment Interactions, the Tropical and Subtropical Regions. So before starting with the chapter, if you haven't subscribed yet, then please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. And if you haven't seen the earlier chapters, then please click on the I button, there you will find the playlist. So let's begin with our chapter, Human-Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. So इस chapter के name से हमें क्या समझ आ रहा है? कि इसमें हम human के interaction को जानेंगे कि जो human है, जो इंसान है, वो अपने environment से किस तरीके से interact करते हैं. वो अपने environment को किस तरीके से use करते हैं और फिर जीवन जीते हैं, right? मतलब उनकी life में उनके environment का कितना ज़्यादा बड़ा role है, किस तरीके से वो अपने एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं, उनके सराउंडिंग में जो चीजें हैं, उनको यूज करके अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से जी रहे हैं. सो पिछले सेक्शन में हमने, पिछले चैप्टर में हमने ह्यूमन एनवायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था. तो उसमें हमने देखा था कि जो इंसान है वो किस तरीके से सेटलमेंट्स में रहते हैं, किस तरीके से वो बस्तियां बनाते हैं, गाँव, टाउन्स, विलेजेस, वो सब बनाते हैं, किस तरीके से जो ह्यूमन है उसने सेटल्ड लाइफ जीनी स्टार्ट की. फिर हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना कि किस तरीके से जो ह्यूमंस हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं, क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं हम, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, तो इन सब के बारे में जाना. फिर हमने कम्युनिकेशन के बारे में जाना कि हम ह्यूमंस किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं. तो ये सभी चीजें हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुकी हैं और अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस हैं वो अपने एनवायरमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं. और स्पेशली हम देखेंगे कि जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है उसमें रहने वाले लोग किस तरीके से अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं. सो ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है हमें पता है, ये अर्थ है, बीच में इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है. सो इक्वेटर के ऊपर जो ब्लू लाइन से मैंने बनाया है नॉर्थ तरफ, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है. और नीचे ये वाला जो ब्लू लाइन है, ये वाला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में आता है. तो इस वाले पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं, जो इन दो ब्लू लाइंस के अंदर है, इस वाले पूरे रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है. ट्रॉपिकल रीजन ये वाला जो पूरा ब्लू लाइन वाले अंदर है, ठीक है. अब ट्रॉपिकल रीजन के ही थोड़े से ऊपर, ठीक है, थोड़े से ऊपर जो है होता है सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है. सो बेसिकली जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वो टेम्परेट रीजन का ही पार्ट होता है, हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल से ऊपर टेम्परेट रीजन आता है ना हमारा, राइट. सो ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वो ट्रॉपिकल से जस्ट ऊपर वाला होता है, ठीक है. मान लो ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसके ऊपर मान लो 35 डिग्री तक, 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड वाले एरिया तक क्या होगा, सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है. तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इनसे थोड़ा सा ऊपर ही हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है. तो ये वाला जो हो गया, ये वाला हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इन दो रीजन्स की बात करेंगे, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन है, कि इसमें रहने वाले लोग जो हैं वो किस तरीके से अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइट. तो शुरू करते हैं रेणुका की स्टोरी के साथ. तो रेणुका वॉज एक्साइटेड, रेणुका जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है. क्यों होती है? क्योंकि 4 महीनों के बाद उसके श्रीकांत अंकल जो हैं वो घर आए होते हैं, ठीक है. श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 मंथ. तो उसके जो अंकल होते हैं श्रीकांत अंकल, वो 4 महीनों के बाद घर में आए होते हैं. अब श्रीकांत अंकल एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, ठीक है, एंड ट्रेवल्ड वाइल्डली. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कौन होता है? जो जानवरों की, पक्षियों की, मतलब वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करता है, उनकी पिक्चर्स लेते हैं, तो उन्हें हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कहते हैं. और ये ट्रैवल्ड वाइडली, मतलब वो बहुत ज्यादा घूमते हैं. अब जगह जगह घूमेंगे, वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, जानवरों को, पक्षियों को देखेंगे, उनकी फोटो लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे. रेणुकाज इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगेन एट एन अर्ली एज व्हेन हर अंकल इंट्रोड्यूस्ड हर टू बुक्स ऑन नेचर. तो बहुत ही अर्ली एज में, मतलब उसके छोटे एज में ही रेणुका का इंटरेस्ट आ गया था नेचर में, मतलब कि वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजों में रेणुका को बड़ा ही इंटरेस्ट आने लगा था. क्यों? क्योंकि जो रेणुका के अंकल हैं श्रीकांत अंकल, उन्होंने उसको बचपन में ही नेचर से रिलेटेड बुक्स से इंट्रोड्यूस कराया,
जो नेचर से रिलेटेड बुक्स थी वो रेणुका को लाके देते थे, फिर रेणुका उन्हें पढ़ती थी, तो उसको बड़ा ही इंटरेस्ट आता था नेचर के बारे में जानने में। पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर, मतलब कि उन बुक्स में जो भी लोगों की पिक्चर्स होती थी और जो भी उनकी लाइफ जैसे दिखाई जाती थी, तो इन सभी चीजों से रेणुका बड़ी ही फैसिनेट होती थी। वो उनके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती थी कि जो ये मेरे से दूर दूर लोग रहते हैं, मतलब कि अपने आसपास तो मैं लोगों को देख लेती हूँ कि भाई मेरे शहर में मेरे गांव में लोग कैसे रह रहे हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सब मैं आराम से देख लेती हूँ, बट जो मुझसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर रह रहे हैं वो लोग कैसे रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी है। तो जब वो उनकी पिक्चर्स देखती थी तो बड़ा ही फैसिनेट होती थी। तो जैसे कि इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई हुई और इसमें आप बहुत अलग अलग तरह के लोग देख सकते हो, वो अलग अलग रीजन से आते हैं, राइट। सो इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट। तो जो रेणुका के अंकल हैं वो उसको बता रहे हैं कि इन पिक्चर्स में तुम देख सकते हो कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से लोगों की पिक्चर्स दिखाई हुई है। ये जो लोग हैं वो दिखने में बहुत अलग हैं एक दूसरे से और ये वर्ल्ड के बहुत ही अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते हैं। कुछ हॉट ड्राई डेजर्ट से आते हैं, मतलब कि ऐसी जगह से आते हैं जहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, बहुत गर्मी है। कुछ फ्रोजन लैंड से आते हैं, कुछ ऐसी जगहों से आते हैं जिनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। कुछ हॉट वेट रेन फॉरेस्ट से आते हैं, कुछ ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ बारिश ही बारिश होती है। तो इस तरीके से वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से जो लोग हैं उनकी पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई हुई हैं। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व रेणुका। रेणुका कहती है कि ये लोग मुझसे कितने ज्यादा अलग दिखते हैं। दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल। तो रेणुका के जो अंकल हैं श्रीकांत अंकल, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भले ही ये लोग तुमसे बहुत अलग दिख रहे हैं, मतलब फिजिकली हो सकता है ये तुमसे थोड़े अलग दिख रहे हैं, बट इनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, वो तुम्हारी ही तरह हैं। क्या जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। तो जो चीज तुम्हें जीने के लिए चाहिए, खाना चाहिए पेट भरने के लिए, सर को छिपाने के लिए छत चाहिए, कपड़े चाहिए शरीर को ढकने के लिए, तो ये तीन चीजें हमारी मेन होती हैं, राइट, लाइफ को जीने के लिए। तो ये तीन चीज तुम्हें भी चाहिए और ये चीज उन्हें भी चाहिए। तो ये श्रीकांत अंकल बताते हैं कि रेणुका को बताते हैं कि भले ही ये तुमसे अलग दिख रहे हैं बट जो चीजें बेसिक चीजें तुम्हें जीने के लिए चाहिए वही इन्हें भी चाहिए। देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू, तो इनके बच्चे भी वही सेम चीजें करते हैं जो शायद तुम भी करती होगी, जैसे कि गेम्स खेलना, तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हो, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते होंगे। क्वेरल समटाइम्स एंड देन मेकअप, जैसे तुम्हारे भी कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो जाती है और फिर अगले ही पल तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हुई दिखती हो, राइट। तो ऐसे ही इनके जो बच्चे हैं वो भी कभी कभी आपस में झगड़ते होंगे फिर वापस से दोस्त बन जाते होंगे, गाना गाते होंगे साथ में, डांस करते होंगे, अपनी फैमिली को हेल्प करते होंगे अलग अलग कामों में, है ना। तो रेणुका के अंकल वही बता रहे हैं कि हो सकता है दिखने में अलग हूँ बट इनकी जरूरतें सेम तुम्हारी ही तरह है, जो तुम करती हो वही काम ये भी करते हैं, ये भी खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, तो वही सब काम ये भी करते हैं। दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। ये जो लोग हैं ये नेचर के बहुत ज्यादा करीब रहते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी ये लोग नेचर को केयर करना सीख जाते हैं, मतलब नेचर की अहमियत को समझ जाते हैं कि नेचर हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है और कितना जरूरी है हमारे लिए नेचर की केयर करना, उसका ध्यान रखना, कि अगर हम नेचर का ध्यान नहीं रखेंगे तो नेचर हमारा ध्यान नहीं रखेगा। दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटीरियल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो बड़ी ही जल्दी वो नेचर से इंटरेक्ट करना सीख जाते हैं। तो वो लोग अपने जीने के लिए, अपने खाने के लिए फिशेस पकड़ना सीख लेते हैं कि भाई मछलियों को कैसे पकड़ना है, किस तरीके से फॉरेस्ट से मटीरियल कलेक्ट करना है, कौन सी जड़ी बूटी अच्छी है, किस तरीके के फ्रूट्स को कलेक्ट करना चाहिए। तो ये सभी चीजें जो बच्चे हैं वो बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, राइट। सो इन चैप्टर्स 8, 9 and 10 यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी आने वाले जो चैप्टर हैं, मतलब एक तो ये 8 वाला, फिर 9 और 10 चैप्टर में भी हम क्या सीखेंगे कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में लोगों की लाइफ कैसी है, लोग किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये इस चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने देखा कि वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, वहां पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और सबके जो जीने का तरीका है वो अलग होता है। और जहाँ पे लोग नेचर के बहुत ज्यादा करीब होते हैं वहां वो बहुत जल्दी ये सीख जाते हैं कि नेचर को किस तरीके से ध्यान से रखना है, राइट। सो अभी अगले सेक्शन से हम अपना चैप्टर जो है वो मेन स्टार्ट करेंगे, लाइफ इन द अमेज़न बेसिन।
हम देखेंगे कि अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोग अपनी लाइफ को किस तरीके से जीते हैं। लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। सो पिछले वीडियो से हमने अपना चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने रेणुका की स्टोरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या देखेंगे कि जो लोग हैं, ह्यूमंस जो हैं, वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हम इसमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में हम अमेज़न बेसिन की बात करेंगे और सब ट्रॉपिकल रीजन में हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करेंगे कि ये जो रीजन है इनमें किस तरीके से लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद द अमेज़न बेसिन, बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेज़न बेसिन लेट अस लुक एट द मैप। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। तो हम इस मैप में देख सकते हैं किस तरीके से ये जो 0 डिग्री है ये हमारा इक्वेटर है और हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो बीच वाला एरिया है वो हमारा इक्वेटोरियल रीजन होता है। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वो डेफिनेटली इक्वेटर के पास में होते हैं। यहाँ पे पूरा जो एरिया है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है ये हमारे ट्रॉपिकल रीजन है। और जो रीजन एकदम इक्वेटर के पास होता है, मतलब कि 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ की बात की जा रही है यहाँ पे, राइट। तो ये वाला 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, ये और ये, तो ये वाले जो रीजन्स हैं ये इक्वेटर के बहुत ज्यादा पास हैं और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन का ही पार्ट हो गए इक्वेटोरियल रीजन। तो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ वाले रीजन को हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। द रिवर अमेज़न फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और हम मैप में फिर से देख सकते हैं कि जो हमारा अमेज़न रिवर है वो इस इक्वेटोरियल रीजन से ही बहता हुआ जा रहा है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। अब जो अमेज़न रिवर है वो वेस्ट से शुरू होता है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाता है। तो यहाँ से अमेज़न रिवर जो है वो स्टार्ट हो रही है वेस्ट से और ईस्ट में जाके, यहाँ पे ईस्ट में जाके अटलांटिक ओशन में मिल रही है, ठीक है। तो जहां से रिवर शुरू होती है उस एरिया को हम कहते हैं उसका सोर्स। सोर्स ऑफ द रिवर क्या होता है, जहां से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे अमेज़न रिवर का सोर्स कहाँ है, वेस्ट में, और इसका माउथ, माउथ वो एरिया होता है जहाँ पे रिवर जो है वो दूसरे बड़े वाटर बॉडी में जाके मिल जाता है। तो माउथ जो है यहाँ पे अटलांटिक ओशन हो गया अमेज़न रिवर का। द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ, ठीक है। तो जहाँ पे रिवर जाके दूसरे वाटर बॉडी में मिल जाता है उसको हम उसका माउथ कहते हैं, ठीक है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेज़न रिवर टू फॉर्म द अमेज़न बेसिन। तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज वो छोटी नदियां होती हैं जो कि किसी एक बड़े रिवर में जाके मिल जाती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे क्या है, बड़ा रिवर है अमेज़न रिवर और उसमें ये छोटी छोटी जो नदियां हैं वो जाके मिल रही हैं, ठीक है। देखो आप, ये मेन रिवर हो गया, ठीक है, ये जो जा रहा है और इसमें कितनी सारी ये छोटी छोटी नदियां जो हैं ये जाके मिल रही हैं, ये आप देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई। जब छोटी नदियां जो हैं, जो छोटी नदियां दूसरे बड़े रिवर में जाके मिल जाते हैं तो उन नदियों को हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया होता है अमेज़न रिवर, मतलब कि मेन रिवर और उसके साथ ही जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक बेसिन बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिन क्या हो गया, रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज वाला जितना भी एरिया है उसको हम बेसिन कहते हैं। तो अमेज़न रिवर और उसके जितने भी न्यूमरस, मतलब बहुत सारी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब मिलके क्या बना रही हैं, अमेज़न बेसिन, ठीक है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। तो जो हमारा अमेज़न बेसिन है वो किन किन कंट्रीज के पार्ट को टच कर रहा है, मतलब किस किस कंट्रीज में आ रहा है। तो इक्वेडोर हो गया, कोलंबिया, यहाँ देख सकते हो कि आप किस तरीके से जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बह रही हैं यहाँ से। वेनेजुएला का भी कुछ पार्ट है, सबसे ज्यादा पार्ट ब्राजील का है, फिर यहाँ पे पेरू एंड बोलीविया। तो इन सभी कंट्रीज में अमेज़न बेसिन आता है। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच इक्वेटर पासिस। तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे इक्वेटर जो है वो पास कर रहा है। तो इक्वेटर है ये, तो ये किस किस कंट्री से होके जा रहा है, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। तो ये जो तीन कंट्रीज हैं उनसे इक्वेटर पास हो रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में।
अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं कि जो अमेज़न रिवर है, अमेज़न बेसिन है, उसका नाम अमेज़न कैसे पड़ा? When Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. तो जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे, जब वो इस जगह पर पहुंचे, तो मतलब अमेज़न रिवर के आसपास वाली जगह पे वो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, वो यहाँ पे देख रहे थे चीजों को. तो जब वो वहां पे पहुंचे, तो कुछ लोकल ट्राइब्स जिन्होंने हेड गियर्स पहन रखे थे और घास की स्कर्ट्स पहन रखी थी, तो उन लोगों ने स्पेनिश एक्सप्लोरर्स पर हमला कर दिया. दीज पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ द फियर्स ट्राइब ऑफ वुमेन वॉरियर्स नोन इन एंशियंट रोमन एम्पायर एज अमेज़न्स. अब इन लोकल ट्राइब्स ने स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को एक फियर्स ट्राइब ऑफ वुमेन, मतलब कि औरतों की एक जो ट्राइब है, उसकी याद दिला दी, जिनको कि एंशियंट रोमन एम्पायर में अमेज़न्स के नाम से जाना जाता है. तो वो जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे, उन्हें वुमेन वॉरियर्स की जो ट्राइब्स थी उसकी याद आई इन लोगों को देख के. अमेज़न रिवर में जो भी ट्राइब्स थी उनको देख के उन्हें उन वुमेन वॉरियर्स की याद आई, जिनको एंशियंट रोमन एम्पायर में क्या कहा जाता था, अमेज़न. ठीक है, तो इन वुमेन वॉरियर्स जो ट्राइब थी उनको अमेज़न्स कहा जाता था. और इसके वजह से जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे, उन्होंने इस जगह का नाम अमेज़न रख दिया, हेंस द अमेज़न. ठीक है, तो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स पे जो ट्राइब थी उन्होंने हमला किया, और इस वजह से क्या हुआ, जो स्पेनिश एक्सप्लोरर थे उन्हें अपनी जो वुमेन वॉरियर ट्राइब थी उसकी याद आई, और उस वुमेन ट्राइब को क्या कहा जाता था, वुमेन वॉरियर ट्राइब को अमेज़न. तो उसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, अमेज़न रिवर का मतलब इस जगह का क्या नाम रख दिया, अमेज़न. उस रिवर को अमेज़न रिवर बनाने लग गए, उसके बेसिन को अमेज़न बेसिन बुलाने लग गए. और अमेज़न बेसिन जो है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, अमेज़न बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड. सो इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजें जानी अमेज़न रिवर के बारे में, अमेज़न बेसिन के बारे में. और अब अगले वीडियो से हम जानेंगे कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, किस तरीके के फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये सभी चीजें हम अगले वीडियो से देखेंगे. सो पिछले वीडियो से हमने लाइफ इन द अमेज़न बेसिन वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, और अब इस वीडियो में हम क्लाइमेट के बारे में जानेंगे कि जो अमेज़न बेसिन में क्लाइमेट है वो किस तरीके का है. सो एज यू नो, द अमेज़न बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. तो हमने इस मैप में देखा था कि जो हमारा अमेज़न बेसिन है वो इक्वेटोरियल रीजन में आता है, मतलब कि ये जो रीजन है, जो अमेज़न बेसिन है, वो इक्वेटर के बहुत ज्यादा पास है, और कुछ जो अमेज़न बेसिन है वो इक्वेटर पे ही लाई कर रहा है. ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आप देख सकते हो कि इक्वेटर के आसपास ही है. सो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट आती है, राइट? सो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट जो है वो अर्थ रिसीव करती है. ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये सन है मान लो. ठीक है, इधर से सन है. अब सबसे ज्यादा हीट जो पड़ती है वो इक्वेटर पे ही पड़ती है, तो इक्वेटर से लेके जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं इनमें बहुत ज्यादा हीट रहती है. तो जाहिर सी बात है, अगर इक्वेटर के आसपास अमेज़न बेसिन है तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हीट यहाँ पे पड़ती होगी, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी. तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट क्लाइमेट है. हॉट एंड वेट. वेट भी क्यों है, क्योंकि देखो हीट जहाँ होगी उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे पानी वगैरह भी अच्छा खासा है, नदी है यहाँ पे. ठीक है, इतना पूरा अमेज़न बेसिन है, नदियां ही नदियां हैं, तो यहाँ पे इवोपरेशन भी ज्यादा हो रही है. ठीक है, हीट जहाँ पे होती है हमें पता है हीट की वजह से इवोपरेशन होता है. तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हीट वाला मतलब गर्म है और वेट है. ठीक है, गीला गीला सा क्लाइमेट है यहाँ, मतलब पूरे ईयर एक ही तरीके का क्लाइमेट रहता है, एक ही तरीके का वेदर रहता है. ठीक है, गर्म और गीला, हॉट एंड वेट क्लाइमेट आपको थ्रू आउट द ईयर देखने मिलेगा. जैसे इंडिया में क्या होता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी मॉनसून, इस तरीके से सीजनल चेंजेस आते हैं ना, बट यहाँ पे नहीं होता. यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर लगभग सेम ही क्लाइमेट रहता है. बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड. अब यहाँ पे दिन और रात जो है वो लगभग इक्वल ही हॉट एंड ह्यूमिड रहते हैं, मतलब यहाँ दिन में भी लगभग उतनी गर्मी होती है जितनी कि रात में होती है. और ह्यूमिड मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, कि हमारी जो हवा है उसमें कितनी नमी है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. तो दिन और रात में लगभग सेम ही गर्मी, सेम ही जो नमी है हवा में वो बनी रहती है. द स्किन फील्स स्टिकी. अब यहाँ पे गर्मी बहुत है तो जाहिर सी बात है पसीना आएगा, बहुत ही अनकंफर्टेबल आपको फील होगा, स्टिकी स्टिकी जो स्किन है आपकी फील करेगी. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग. यहाँ पे बारिश लगभग रोज होती है, और वो भी बिना किसी वार्निंग के, मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे अचानक से धूप निकल रही है और
मिनट बाद यहाँ पे बारिश होने लगेगी एकदम तेज तेज से। तो यहाँ पे लगभग रोज बारिश होती है, और मतलब वो भी अचानक से होती है, और जो हमारा क्लाइमेट है, मौसम है, वो गर्म ही रहता है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद हाई ह्यूमिडिटी, एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। ठीक है, अब थोड़ा बहुत जो है वो टेम्परेचर में वैसे लगभग सेम रहता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर में कमी रहती है, जो डिफरेंसेस रहते हैं, तो दिन में जो है वो टेम्परेचर हाई रहेगा, हाई ह्यूमिडिटी रहेगी। ठीक है, रात में टेम्परेचर हल्का सा नीचे जाता है, बट ह्यूमिडिटी फिर भी उतनी ही बनी रहती है। ठीक है, हवा में नमी जितनी सुबह थी उतनी शाम को भी होगी, रात को भी सेम रहेगी। ठीक है, और टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, कि वैसे तो दिन में भी गर्मी है रात में भी गर्मी है, बट टेम्परेचर दिन में फिर भी बहुत ज्यादा है और रात को हल्का सा कम है। तो इस तरीके का यहाँ पे पूरा क्लाइमेट रहता है। ठीक है, तो मैं आपको समराइज कर देती हूँ कैसा यहाँ का क्लाइमेट है। हॉट है, वेट है, मतलब कि यहाँ गर्मी रहती है, चिपचिपा सा आपको फील होगा, हवा में नमी बहुत ज्यादा रहती है। लगभग यहाँ पे पूरे साल एक ही तरीके का मौसम रहता है, दिन और रात जो है वो लगभग सेम गर्म और ह्यूमिड वाले रहते हैं, नमी वाले रहते हैं, बट ऐसा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। दिन फिर भी ज्यादा गर्म रहते हैं और रात हल्की सी ठंडी रहती है, हल्की सी। ठीक है, और ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी दोनों ही टाइम में, दिन में भी रात में भी, सेम रहती है, हाई रहती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ लगभग रोज बारिश होती है। ठीक है, अब रोज बारिश होती है, इसका मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट कैसे होंगे, एवरग्रीन वाले, रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, रेन फॉरेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे रोज बारिश होती है, वो भी बिना किसी वार्निंग के अचानक से आ जाती है, राइट। तो अब ये रेन फॉरेस्ट के बारे में हम अगले सेक्शन से पढ़ेंगे। रेन फॉरेस्ट, सो पिछले सेक्शन में हमने अमेजन बेसिन के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, कि जो अमेजन बेसिन है वहां का क्लाइमेट कैसा रहता है। तो वहां का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि वहां लगभग रोज बारिश होती है। ठीक है, तो जब वहां पे रोज बारिश होती है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे बहुत ही घने घने जंगल बन गए, थिक फॉरेस्ट ग्रो। तो इतनी ज्यादा रेन के कारण क्या हुआ, वहां पे जो जंगल हैं वो उग गए, और वहां पे बहुत ही घने जंगल होते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। और जो जंगल हैं वो इतने ज्यादा घने हैं, इतने ज्यादा डेंस रूफ बन चुकी है। रूफ मतलब कि जैसे ये एक पेड़ है, इसके यहाँ पे ये दूसरा पेड़ है, तो क्या हुआ, ऊपर जो है पेड़ की टहनी जो है एक दूसरे से टच होके सब सारा जो एरिया है वो घेर लिया उन्होंने। देखो जिस तरीके से ये दो पेड़ टच है, ऐसे बहुत सारे घने घने पेड़ जो है उनकी ब्रांचेस एक दूसरे से टच होती हैं, तो क्या होता है कि एक रूफ जैसा बन जाता है ऊपर, एक ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चादर डाल दी हो, कोई भी जो लाइट है फिर वो सूरज की नीचे नहीं आ पाती, क्यों, क्योंकि उसके ट्रीज की ब्रांचेस की वजह से सनलाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ ऊपर से अगर सन की लाइट नीचे आएगी तो वो सिर्फ यहीं तक रह जाएगी, नीचे नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, जो पेड़ की टहनी थी, पत्ते थे, वो इतने घने थे कि जो लाइट है वो नीचे नहीं आ पा रही। ठीक है, तो इस तरीके से जो जंगल है वो बहुत ही ज्यादा घने होते हैं, गहरे होते हैं, और उनके ऊपर एक रूफ सी बन जाती है, वहां पे इतने पास पास ट्रीज होते हैं कि उनकी ब्रांचेस आपस में मिलती हैं, और उसकी वजह से जो भी सनलाइट है वो नीचे नहीं आ पाती, और जब सनलाइट नीचे नहीं आएगी तो क्या होगा, जंगल में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा रहेगा। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। डैम्प मतलब क्या होता है, गीला। अब हमने देखा कि यहाँ पे अमेजन बेसिन में क्या होता है, लगभग रोज बारिश होती है। अब जब बारिश होगी और धूप नीचे तक नहीं आएगी, ठीक है, अब ये पेड़ है यहाँ पे पूरा जंगल है, ठीक है, ऊपर से धूप तो नीचे नहीं आ रही है, बट बारिश जब होगी तो पानी तो यहाँ पे गिरेगा, पानी तो नीचे आके गिरेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे पानी गिरेगा और धूप नहीं आएगी, तो क्या पानी इतनी जल्दी सूख पाएगा, नहीं होगा ना, धूप की वजह से ही तो पानी सूखता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो नीचे ग्राउंड है वो हमेशा गीला रहेगा, कीचड़ कीचड़ सी रहेगी इन जंगलों में। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन मे ग्रो हियर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे पेड़ पौधे उग सकते हैं जो कि छाओ में उगते हों। शेड टॉलरेंट मतलब ऐसे पौधे जो कि छाओ में उग सकते हों, क्यों, क्योंकि हमने देखा जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी टहनियों की वजह से धूप तो नीचे तक आ ही नहीं पाती, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो छोटे मोटे जो पौधे हैं वो ऐसे उग पाएंगे जो कि छाओ में ही उगते हैं। ऑर्चिड्स, ब्रोमेलाइड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट। और यहाँ पे ऑर्चिड्स एंड ब्रोमेलाइड्स जो है एज प्लांट पैरासाइट उगते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी और दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म पर
रहते हूँ और उसी से अपना खाना वाना बनाते हूँ। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में बात करें तो जैसे जू होते हैं ना, जुए पड़ते हैं, तो जुए क्या है, वो पैरासाइट है, वो इंसानों पे मतलब कि एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे के ऊपर रह रही हैं और उन्हीं से अपना खाना वाना बना रही हैं। ठीक है, वो ब्लड सक करते हैं, तो क्या हो रहा है, वो एक पैरासाइट है। तो प्लांट पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर उगते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो, एक पेड़ की टहनी दिख रही है और उसके ऊपर ऐसे ये छोटी छोटी घास की तरह दिख रही है, तो ये क्या हो गए, पैरासाइट हो गए। कि ऐसे प्लांट्स हैं ये जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर उग रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्चिड्स एंड ब्रोमेलिड्स जो हैं वो यहाँ पे प्लांट पैरासाइट की तरह उगते हैं, ये प्लांट पैरासाइट्स हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, बर्ड्स सच एज टूकैंस, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज, ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। तो अब इस पैराग्राफ में ये लोग यहाँ के बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अमेजन फॉरेस्ट में जो बर्ड्स पाई जाती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे जैसा कि बोला है, द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना, कि मतलब यहाँ पे जो पशु पक्षी हैं वो भी बहुत ज्यादा वैरायटी के पाए जाते हैं। बर्ड जैसे कि टूकैंस, तो टूकैंस की यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है, ये है टूकैन। ठीक है, और यहाँ पे हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज वो यहाँ पे पाई जाती हैं, और उनके ये जो बर्ड्स ऑफ पैराडाइज वगैरह हैं, इनके क्या होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज होता है। प्लमेज मतलब कि जो भी पक्षी के फेदर्स हैं, उसके जो पंख हैं, उन सबको हम प्लमेज कहते हैं। तो बहुत ही कलरफुल यहाँ के जो पक्षी हैं वो होते हैं, और यहाँ के ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया। ओवरसाइज्ड बिल्स मतलब क्या होता है, बीक होती है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इसके बीक देखो कितनी ज्यादा बड़ी है। क्या नॉर्मली जो हम बर्ड्स इंडिया में देखते हैं उनकी बीक कितनी बड़ी होती है, नहीं, उनकी बीक तो छोटी छोटी होती है, बट यहाँ पे जो बर्ड्स पाई जाती हैं नॉर्मली उनकी जो बीक है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, और इसीलिए ये इंडिया की बर्ड्स से बहुत अलग हैं। दीज बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड्स इन द फॉरेस्ट, तो ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत ही तेज तेज आवाजें निकालते हैं जंगलों में। और यहाँ पे जानवर कैसे पाए जाते हैं, जानवर जैसे कि मंकीज, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टेपिर्स, तो टेपिर्स जो होते हैं वो इस तरीके के दिखते हैं और ये चींटियों को खाते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमनली फाउंड एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। और रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स मतलब वो एनिमल्स जो कि रेंगते हैं, तो रेंगने वाले जो जीव हैं वो भी यहाँ पे काफी तरह के पाए जाते हैं, काफी स्पीशीज हैं यहाँ पे, जैसे कि स्नेक ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स, तो यहाँ पे बहुत ही जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन अबाउंड, मतलब कि यहाँ पे बहुत तरह के जो क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं, अलग अलग तरह के सांप हैं, पाइथन हैं, तो वो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीशीज, तो कुछ स्पीशीज के नाम दिए हुए हैं सांपों की, जैसे कि एनाकोंडा एंड बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर जो हो गए वो यहाँ पे काफी पाए जाते हैं। बिसाइड्स द बेसिन इज होम टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, अब इन पक्षियों के अलावा, जानवरों के अलावा बहुत सारे मतलब हजारों इंसेक्ट्स का भी घर है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत तरह के इंसेक्ट्स मतलब कि कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। सेवरल स्पीशीज ऑफ फिशिंग फिशेस इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिश इज ऑल्सो फाउंड इन द रिवर, अभी ये लोग फिश पे पहुंच गए, मतलब कि फिश की बात हो रही है, कि यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज की, अलग अलग प्रजातियों की मछलियां भी पाई जाती हैं। और जैसे कि फ्लैश ईटिंग पिराना, ये जो पिराना मछली होती है ये मांस को खाती है। ठीक है, अगर कोई गलती से पिराना फिश के झुंड में गिर जाए तो फिर दो मिनट में उसका सिर्फ और सिर्फ कंकाल ही बाहर आएगा, मतलब वो मांस खा लेती हैं। तो बहुत ही खतरनाक ये मछलियां होती हैं, ये भी इस रिवर में पाई जाती हैं। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर, तो क्या है, हमने इतने सारे जानवरों के बारे में पढ़ा, भी पक्षियों के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, फिशेज, इंसेक्ट्स, तो क्या है यहाँ पे जो भी लाइफ है वो बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की है, बहुत वैरायटी है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरह के जानवर, पक्षी, इंसेक्ट्स, वो सब यहाँ पे पाए जाते हैं और हमारे यहाँ से काफी ज्यादा अलग भी हैं। अब डू यू नो वाला सेक्शन देख लेते हैं। ब्रोमेलाइड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, जो ब्रोमेलाइड्स होते हैं ये एक स्पेशल तरह के प्लांट्स होते हैं और ये अपने लीव्स में पानी को स्टोर करते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स, तो जो फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, इस तरीके के जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन प्लांट्स के जो स्टोर्ड वाटर है उसको यूज करते हैं, जहां पे इन प्लांट्स ने वाटर को स्टोर करके रखा होता है उनको यूज करते हैं अपने एग्स देने के लिए।
ये देखो जैसे कि एक ब्रोमेलाइड है और इसके बीच में यहाँ पे पानी जमा हो रखा था और यहाँ पे ये फ्रॉग आपको दिख रहा है। तो क्या होता है कि इन प्लांट्स में पानी स्टोर हो जाता है और फिर ये जो फ्रॉग है यहाँ पे जाके अपने एग दे देते हैं। सो इस सेक्शन में हमने अमेजन बेसिन के फॉरेस्ट के बारे में जाना कि वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो रेन फॉरेस्ट होते हैं, हमेशा बहुत ही हरे भरे रहते हैं, घने जंगल होते हैं, इतने घने होते हैं कि जो सूरज की किरणें हैं वो जमीन तक आ ही नहीं पाती। ठीक है, यहाँ की जो जमीन है वो हमेशा गीली गीली सी रहती है, डैम्प रहती है। तो और यहाँ पे किस तरीके के जानवर पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पक्षी मछलियाँ, ये सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। सो पिछले दो वीडियोस में हमने अमेजन बेसिन के क्लाइमेट और वहाँ के रेन फॉरेस्ट के बारे में जाना। हमने जाना कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, किस तरीके से वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे, तो ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो रेन फॉरेस्ट है, ये वाला जो अमेजन बेसिन है, यहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, किस चीज की खेती बाड़ी करते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, तो वो सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग जो अपना फूड है, जो भी क्रॉप है, वो एक छोटे से लैंड में उगाते हैं। और वो भी लैंड कैसी होती है कि उसको, जैसे कि यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल है, तो वो लोग क्या करते हैं, जंगल के एक छोटे से टुकड़े को क्लियर कर देते हैं, मतलब कि वहाँ के जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको काट देते हैं, फिर उस छोटे से टुकड़े पे अपना फूड, अपनी क्रॉप जो है वो उगाते हैं। राइट, व्हाइल मेन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। अब इसमें क्या है कि जो आदमी है वो क्या करते हैं, ज्यादातर हंट और फिशिंग करते हैं, मतलब कि वो लोग जानवरों का शिकार करते हैं, खाने के लिए जानवरों को पकड़ते हैं, मारते हैं, फिर फिशिंग करते हैं, मतलब ये जो नदियां हैं वहां पे जाके फिशिंग करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। तो आदमियों का काम है हंटिंग एंड फिशिंग, की जानवरों को मारना और मछलियों को पकड़ के लाना। ठीक है, और वहीं वुमेन क्या करती हैं, वो ये जो भी क्रॉप्स उगा रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, उसका ध्यान रखना, उनको पानी वगैरह देना, तो जो भी फसल का ध्यान कौन रखती हैं, वुमेन। दे मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। तो ये लोग ज्यादातर क्या उगाते हैं, टैपियोका, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब स्वीट पोटैटो की तरह कुछ कुछ दिख रहा है, फिर पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये चीजें ये लोग मेनली उगाते हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम विद द वेजिटेबल दे ग्रो। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि आदमी जो है वो हंटिंग एंड फिशिंग करते हैं, बट ये चीज सर्टेन नहीं है, मतलब हर रोज ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें मछलियां जो है वो मिले ही मिले, हर रोज ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी जानवर को जो मैन है वो मार के घर ला सके, हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता, तो ये अनसर्टेन होता है। इसीलिए जो वुमेन है वो क्या करती हैं, वो फैमिलीज को जो भी खेती बाड़ी में वो लोग जो भी उगा रहे हैं अपनी फसल, उस चीज के दम पर उनका पेट भरती हैं। ठीक है, तो हंटिंग एंड फिशिंग जो है वो अनसर्टेन है, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कोई ना कोई जानवर जो है वो मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, फिशिंग जो है हर बार अच्छी मछलियां मिलेंगी, बट वुमेन जो है वो क्या करती हैं, जो भी ये लोग वेजिटेबल ग्रो करती हैं, जो भी सब्जियां उगाती हैं, उससे अपने घर वालों का पेट भरती हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो जैसे कि आपको चैप्टर के, मतलब इस पैरा के शुरू में ही बताया कि ये लोग क्या करते हैं, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो क्लियरिंग सम ट्रीज का मतलब क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, एक पैच ऑफ लैंड में जो भी ट्रीज होते हैं उसको काट देते हैं। तो इस तरह की खेती को हम क्या कहते हैं कि जहाँ पे जो एक जगह पे जो भी पेड़ पौधे थे उनको काट दिया, और उसके बाद जो भी जमीन बची, मतलब पहले तो पेड़ पौधे काटेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे, ठीक है, ऐसे अब क्या किया, इन पेड़ों को काट दिया। अब पेड़ों को काट दिया तो फिर कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, जैसे ये पेड़ का कटा हुआ तना बचा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे वो लोग, इन चीजों को जला देंगे, जो भी रेजिड्यू होगा उसको जला देते हैं। अब जलाने के बाद क्या होता है कि राख बन जाती है, और राख एक बहुत ही अच्छी खाद का काम करती है। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काटा, जो भी रेजिड्यू था, जो भी बचा कुचा था, उसको जला दिया, और उसके बाद वो राख बन गई। राख जो होती है एक अच्छी खाद होती है, तो उसको थोड़ी देर के लिए वैसा का वैसा रहने देते हैं, ताकि जो राख है वो जमीन में मिल जाए, और जो जमीन है वो फसल उगाने के लिए और अच्छे से तैयार हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद, फिर वो कुछ दिन बाद वो फसल उगाना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही बारिश आती है, तो बारिश के साथ फिर वो फसल उगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की खेती को हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश मतलब कि पेड़ों को स्लैश कर दिया, काट दिया, और फिर जो रेजिड्यू था उसको बर्न कर दिया, और उसके बाद खेती स्टार्ट की गई, ठीक है, इसको जूमिंग भी कहते हैं।
इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो सेशन वन को काफी अलग अलग तरीके के नामों से बुलाया जाता है। द स्टेपल फूड इज मैनियक, ऑल्सो नोन एज कसावा, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। तो यहाँ पे जो स्टेपल फूड है वो क्या है? मैनियक। तो ये है मैनियक, ये आलू की ही तरह जमीन के अंदर उगता है और इसका पौधा दिखने में कुछ कुछ ऐसा होता है, और मैनियक को कसावा भी कहते हैं। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंट्स एंड एग सैक्स। अब इसके अलावा मतलब मैनियक के साथ साथ जो अमेजन बेसिन के लोग हैं वो क्वीन एंट्स को भी खाते हैं, मतलब कि जो क्वीन एंट्स मतलब कि चींटियां होती हैं उन्हें भी खाते हैं, और एग सैक्स और उनके जो अंडे वगैरह हैं वो भी ये लोग खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, मेज एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। तो यहाँ पे कैश क्रॉप्स मतलब क्या होता है? ऐसी क्रॉप्स जिन्हें कि हम खाने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए ही उगा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्रॉप्स भी यहाँ पे उगाई जाती हैं, जैसे कि कॉफी, मेज, मेज मतलब मक्का होता है, और कोकोआ, कोकोआ जिससे आपकी चॉकलेट्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं यहाँ पे उगाई जाती हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड्स फॉर द हाउसेस। अब क्योंकि यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, बहुत घने घने जंगल हैं, तो लोगों को लकड़ियां काफी ज्यादा आसानी से मिल जाती हैं घर बनाने के लिए। सम फैमिलीज लिव इन थैश्ड हाउस शेप्ड लाइक बी हाइव्स। कुछ लोग जो हैं वो थैश्ड मतलब कि जो घास फूस से बने हुए, जो छप्परों से जो घर बनते हैं वैसे घरों में रहते हैं, और उनकी शेप कैसी होती है? बी हाइव्स की तरह, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कुछ उस तरीके के इनके घरों की शेप होती है। देयर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस कॉल्ड मलोका विद अ स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। इसके अलावा मतलब कि कुछ लोग तो जो हैं वो थैश हाउसेस में रहते हैं कि जिनकी बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसी शेप होती है, और कुछ लोग जो हैं कैसे अपार्टमेंट लाइक घरों में रहते हैं, ऐसे घरों में रहते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनकी जो छत होती है वो स्टीपली स्लैंटिंग होती है, मतलब कि इस तरीके की होती है ऐसे। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इस तरीके से कितना बड़ा घर है और इसकी जो छत है वो इस तरीके से स्लैंटिंग है, मतलब कि ढलान वाली पूरी छत है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? मलोका। इन घरों को मलोका बुलाया जाता है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अब यहाँ के जो लोग हैं, अमेजन बेसिन के जो लोग हैं, उनकी जिंदगी धीरे धीरे करके चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है? तो देखो, इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। पुराने जमाने में क्या होता था कि तुम हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब कि घने घने जंगलों में, जंगल के एकदम बीचों बीच आप तभी पहुंच सकते थे जब आप रिवर के रास्ते आओ, रिवर को नेविगेट करते करते आओ, कि जो नदियां हैं उनके सहारे जब आप आओ तभी आप जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसके घने एकदम बीचों बीच पहुंच सकते हो। In 1970, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. But क्या हुआ? 1970 में जब Trans-Amazon Highways बनाए गए, जब इन जंगलों के बीच से roads निकाल दिए गए, रास्ते निकाल दिए गए, तब इस rainforest को बहुत ही ज्यादा आसानी से access किया जा सकता है, मतलब कोई भी किसी भी part में बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। तो इस तरीके से जो Amazon Basin के लोगों की life है वो change हो रही है। पहले उनको कोई भी disturb करने वाला नहीं था, पहले उनके आसपास जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे, मतलब कि जैसे शहरों से निकल निकल के लोग जो है इनके जंगलों में इनके आकर डिस्टर्ब नहीं करते थे। बट अब क्या है, उनके वहां पे रोड्स बना दिए, वहां पे गाड़ियां निकल के जा रही हैं, उनको डिस्टर्ब करती है, वहां के जो ट्राइब्स वगैरह है, वहां के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, जंगलों में जो रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। और सिर्फ रोड्स ही नहीं बना दिए गए हैं, इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उन सब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जंगल में अलग अलग जगह पे पहुंचने के लिए। द इंडिजीनियस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स टू सेटल इन टू न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वेज ऑफ फार्मिंग। अब इन जंगलों में जो लोग रहते थे, मतलब कि इन्होंने यहाँ पे रोड्स वगैरह बनाए, तब उसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग ओरिजिनली इन जंगलों में रहते थे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, और इन लोगों को एक तरीके से फोर्स किया गया, जबरदस्ती इनको इनके यहाँ से, इनके जंगलों से निकाल के दूसरे एरियाज में जाने को कहा गया। पोस्ट आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स टू सेटल इन टू न्यू एरियाज, कि इन जंगलों से निकाल के उन्हें कहा गया कि भाई तुम कहीं और सेटल हो जाओ जाके, और ये लोग को फिर वहां से निकलना पड़ा। जो यहाँ के लोग थे, जो बहुत पुराने समय से यहाँ पे रह रहे थे, उनको क्या यहाँ से निकलना पड़ा, अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ी। बट जब ये लोग वहां से निकले भी, फिर भी जब नई जगह पे ये लोग गए, वहां पे भी अपना डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग जो है उसको ये लोग प्रैक्टिस करते रहे, मतलब कि वहां पे भी इन लोगों ने स्लैश एंड बर्न वाली जो फार्मिंग है वो कंटिन्यू करी, ठीक है। मतलब कि तुमने लोगों को उनकी जगह से तो हटा दिया, बट उनके उनकी प्रैक्टिस से, उनके ट्रेडिशन से कैसे अलग करोगे, वो तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए वो लोग, उन्हें भले ही वो अपनी जगह छोड़ दी, बट नई जगह पे भी वो अपने
जो ट्रेडिशंस थे, अपनी जो प्रैक्टिसेस थी वो फॉलो कर रहे थे. द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट. अब यहाँ पे इतनी सारी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, डैम्स वगैरह बनते हैं, और भी तरह तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लोग थे रहने वाले, यहाँ के जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उन सबकी लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है. मतलब कि जो डाइवर्स रेन फॉरेस्ट है वो पूरी तरीके से खराब हो रहा है, उसे नुकसान पहुंच रहा है. इट इज एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिसअपीयरिंग एनुअली इन द अमेज़न बेसिन. और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मतलब कि हर साल बहुत ज्यादा अमाउंट में जो एरिया है, जो जंगल है अमेज़न बेसिन के, उनको काटा जा रहा है, उन्हें क्लियर किया जा रहा है. यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन. अब जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, पहले जंगल मान लो इस तरीके का हुआ करता था, इतना घना हुआ करता था, पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है. बट धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने इन जंगलों को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया, काटना स्टार्ट कर दिया. तो क्या हुआ कि पेड़ों को काटा और यहाँ पे इस तरीके से खेती करने लग गए. फिर पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, फिर और जमीन खाली की, और पेड़ों को काटा. तो देखते देखते क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ खाली बंजर जमीन रह गई और पेड़ जो है वो पूरे खत्म हो गए. तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ पेड़ खत्म हो रहे हैं, इसके अलावा इन पेड़ों पे जो पशु पक्षी रहते थे, अब जो इंसेक्ट्स यहाँ पे रहते थे, जो ऑक्सीजन है जो वो कम हो रही है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है. तो इन जंगलों के क्लियर होने का जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है. द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एज द रेन फॉल्स एंड द लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू बैरन लैंडस्केप. अब क्या होता है, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो जमीन को जकड़ के रखती हैं, ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है कि अगर पानी जो आएगा वो भी जमीन को, मिट्टी को बहा के नहीं ले जाएगा पेड़ों की वजह से. क्यों? क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने उस मिट्टी को होल्ड करके रखा है. बट अगर पेड़ों को हम काट देंगे तो वहां पे कोई जड़ नहीं रहेगी मिट्टी को होल्ड करने के लिए. तो पहले यहाँ पे पेड़ थे, ठीक है, ये पेड़ है, और यहाँ पे इन पेड़ों की जड़ों के कारण जो मिट्टी है वो बहती नहीं थी. कि मान लो बारिश हुई, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बारिश हुई और पानी यहाँ से बह के निकल गया, पानी बह के निकल गया, बट इसके ऊपर की जो मिट्टी थी वो नहीं गई. बट अगर ये पेड़ नहीं हो तो क्या होगा, अगर पेड़ नहीं है तो ये जड़ भी नहीं होंगी. तो क्या होगा, यहाँ के ऊपर की जो मिट्टी है वो आसानी से पानी के साथ, ये जो मिट्टी है वो आसानी से पानी के साथ बह के चली जाएगी. और जब मिट्टी नहीं रहेगी तो मतलब कि जो मेन मिट्टी है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं वो पूरे तरीके से क्लियर होती चली जाएगी, वो हटती चली जाएगी जमीन के ऊपर से, और जिस वजह से जो जमीनें हैं वो बैरन हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी. तो देख लो इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से कहाँ पे इस तरीके से घने घने जंगल होते थे, और अब क्या है, इस तरीके से बंजर जमीनें हैं कि वहां पे कोई पेड़ पौधा ढंग से अब उग नहीं सकता. तो इसलिए हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उनको हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए कि उनका क्या इम्प्लीकेशन है, ये ध्यान में रखना चाहिए. ये सिर्फ और सिर्फ उन जानवरों को, उन पशु पक्षियों का हैबिटेट खराब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है. अब डू यू नो वाले सेक्शन में इन्होंने स्लैश एंड बर्न को ही डिटेल में बताया हुआ है. स्लैश एंड बर्न मैंने आपको एकदम शुरुआत में बता दिया क्या होता है. इट इज अ वे ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बुशेस. ये एक तरीके की फार्मिंग है जिसमें लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, एक जगह के जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काट देते हैं. दीज आर देन बर्नड विच रिलीजेस द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल. काटने के बाद क्या होता है, उनको जला दिया जाता है, जिसकी वजह से राख बनती है और राख जो है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स डाल देती है, ठीक है. Now crops are grown in this cleared field of for a few years. फिर क्या होता है कि इस जमीन में जो आपने खाली की थी उसमें क्रॉप उगाई जाती है, फसल उगाई जाती है कुछ सालों के लिए. After repeatedly using the patch of land, the soil loses its nutrients. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ सालों के लिए लगातार यहाँ पे खेती की जा रही है, इस वजह से क्या होगा, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब वो अच्छी फसल नहीं देगी. और जब ऐसा होता है तो फिर क्या करते हैं लोग, इस जमीन को छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं, ठीक है, फिर दूसरी नई जमीन को ढूंढते हैं. देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट. फिर क्या करते हैं, वो किसी नई जमीन पे चले जाते हैं, जो पुरानी जमीन थी अब जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रहे उसको छोड़ देते हैं, और किसी नई जमीन पे जाके वो वापस से सेम प्रोसेस अपनाते हैं. फिर वो उस पीस ऑफ लैंड पे जितने भी प्लांट्स वगैरह उनको काटेंगे, उनको जलाएंगे, जलाने के बाद फिर से उसमें उगाएंगे कुछ सालों के लिए. इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड. अब ये लोग तो न्यू जो एरिया था उस पर शिफ्ट हो गए, वहां पे जाके खेती करने लग गए. इतने जो पुराना वाला था जिसको अबैंडन करके आए थे, वहां पे भी फिर से पेड़ पौधे जो है, प्लांट है, उग जाएंगे. इन दिस वे सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड. और इस तरीके से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहती है, वो
रीस्टोर हो जाती है कि पहले वो जमीन जो है अब वो अच्छी फसल नहीं दे रही थी, तो क्या किया फार्मर्स ने, उस जमीन को छोड़ दिया और किसी और जमीन पे जाके वो लोग उगाने लग गए। इतने जो पुरानी जमीन थी वहां पे पेड़ पौधे उगेंगे, वहां पे पेड़ पौधे उगेंगे तो फिर जो सॉइल है वो और ज्यादा फर्टाइल होगी, उसकी जो खोई हुई फर्टिलिटी थी वो वापस आने लगेगी। और फिर कुछ समय बाद जब दूसरी लैंड भी इस तरीके से कम उपजाऊ हो जाएगी, उस पर भी कुछ साल करने के बाद क्या करेंगे, वो दूसरी वाली लैंड को भी अबेंडन कर देंगे और फिर कोई और नई जगह पे जाके वो खेती करेंगे। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। सो इस वीडियो में हमने रेन फॉरेस्ट, मतलब ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, अमेजन बेसिन है, इसमें जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं, किस तरीके की वो क्रॉप्स उगा रहे हैं, किस तरीके से वो खाना खा रहे हैं, कैसे घरों में रह रहे हैं, तो ये सब चीजें देखी हमने। अब अगले वीडियो से हम लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने अमेजन बेसिन के बारे में जाना, इसी तरीके से अब डिटेल में हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में नेक्स्ट वीडियो से जानेंगे। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। सो पिछले सेक्शन में हमने अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ा था कि अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से अपनी लाइफ को चला रहे हैं, किस तरीके के जानवर वहां पे पाए जाते हैं, किस तरीके के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं अमेजन बेसिन के बारे में। अब जिस तरीके से हमने इतनी डिटेल में अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ा, सेम उसी तरीके से हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र में किस तरीके से लोग अपना जीवन जला रहे हैं, किस तरीके से वहां पे जो लोग हैं वो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे पेड़ पौधे, कैसे पशु पक्षी जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सभी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली ये वाला जो टॉपिक है लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये बहुत ही बड़ा है। मतलब कि इसमें ना ऐसे बाइफ्रिकेट करके टॉपिक्स नहीं दिए हुए, सब टॉपिक्स नहीं दिए हुए। जैसे कि हमने अमेजन बेसिन में देखा था कि देखो यहाँ पे अमेजन बेसिन में क्या है कि इन्होंने लाइफ इन द अमेजन बेसिन का इस तरीके से टॉपिक दे रखे हैं कि पहले इंट्रो दे दिया, फिर इसके क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया, फिर रेन फॉरेस्ट के बारे में, फिर यहाँ के पीपल के बारे में, ठीक है। तो बट ये वाला जो ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसमें इन लोगों ने इस तरीके से टॉपिक्स को डिवाइड नहीं किया हुआ, सब कुछ एकदम कंटिन्यूअसली दिया हुआ है, ठीक है। तो सब टॉपिक्स नहीं दिए हुए, बट मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है ताकि हम हर चीज को डिटेल में डिस्कस कर सकें, तो मैंने इस पूरे टॉपिक को कुछ पार्ट्स में बांट दिया है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इस तरीके से बांट दिया है ताकि हम हर एक टॉपिक पे और ज्यादा डिटेल में गौर कर पाए, ठीक है। और बेसिकली इस वीडियो में हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसा माहौल है यहाँ का, कैसा क्लाइमेट है, तो ये सब चीजें हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो नदियां होती हैं वो किसी दूसरी नदी में जब जाके मिल जाती हैं तब हम उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। कि मान लो ये गंगा, ये वाला तो यमुना रिवर है, ये वाली गंगा रिवर है, ठीक है। अब यमुना रिवर देखो यहाँ से ऐसे ऐसे करके गंगा में ही आके मिल गई, बाकी ये नदी जो है ये यहाँ पे आके मिल गई यमुना में, फिर ये नदी यहाँ पे आके मिल गई। तो जब छोटी नदियां किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं तब हम उस छोटी नदी को क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो जैसा कि हमने अमेजन बेसिन के केस में पढ़ा था कि जब कोई, मतलब जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं इन नदियों की, गंगा रिवर की और ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो जो भी ये पूरा एरिया कवर हो रहा है उन सबको हम क्या कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। मतलब कि गंगा रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज, देखो ट्रिब्यूटरीज यहां तक है ये सब, इसकी ट्रिब्यूटरीज मानी जाएंगी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो जहां तक भी एरिया ये ट्रिब्यूटरीज और ये रिवर कवर कर रहे हैं वो एरिया हमारा क्या होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड्स। अब ये जो बेसिन है ये किस एरिया में पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये देख सकते हो आप, ये जो डॉटेड लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड दिखाया हुआ है। तो 20 डिग्री के नीचे थोड़ा सा होगा 10 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड, और यहाँ पे देख सकते हो 32 डिग्री आ दिया हुआ, तो लगभग मान लो यहाँ पे बीच में 30 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड होगा। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ठीक है। और इसी रीजन में क्या आ रहा है, हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। तो जो अमेजन बेसिन था वो ट्रॉपिकल रीजन में आता था और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक द घाघरा, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। तो ये बात को रिपीट ही करने वाली बात हो गई कि सारी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर ही बेसिन बनता है, ठीक है। जो मेन रिवर है और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, बेसिन। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए हुए हैं कि गंगा की कैसी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है,
जैसे कि घाघरा हो गई, सोन हो गई, चंबल, गंडक, कोसी, तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की। और इसके साथ साथ जो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब मिला के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को बनाती हैं। लुक एट द एट लास्ट एंड फाइंड द नेम्स ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। अब गंगा जो रिवर है उसके तो ट्रिब्यूटरीज के नाम कुछ इन्होंने दिए हुए हैं, अब ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो आपको मेन रिवर दिख रही है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये जो जितने भी आपको ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं ये क्या है, इसके ट्रिब्यूटरीज। देखोगे आप ये सारी नदियां आके अल्टीमेटली किसमें मिल रही हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर में आके मिल रही हैं। तो कौन कौन से रिवर्स हैं यहाँ पे, देखो दिबांग हो गई, सियांग, लोहित, सुबनसिरी, यहाँ पे धनसिरी, कोपाली, यहाँ पे तिस्ता। तो आप यहाँ पे बहुत सारी जो है ट्रिब्यूटरीज देख सकते हो ब्रह्मपुत्र रिवर की। नाउ द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स, हिमालयाज, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टास आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। इसका मतलब इस बेसिन में क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या है, जो यहाँ के प्लेन्स हैं, प्लेन्स मतलब कि जो समतल एरिया है, फिर फुट हिल्स हैं हिमालयास की, उसके साथ साथ माउंटेन्स हैं जो पहाड़ हैं, फुट हिल्स मतलब कि जहाँ पे जैसे ये पहाड़ है तो उसके नीचे वाला एरिया, यहाँ वाला एरिया, हिल्स का फुट मतलब कि, ठीक है, तो नीचे वाला जो एरिया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, इसके साथ साथ सुंदरबन डेल्टा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है। और डेल्टा क्या होता है इसके बारे में हम पहले ही पिछले हमारे जो चैप्टर्स उनमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होता है कि जब नदियां समुद्र में जाके मिलने लगती हैं तो वो अपनी इस तरीके से बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जो नदी में आके मिलती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है कि जब एक नदी और नदियों में बट जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटरीज, कि ये एक नदी आ रही थी अब इसकी एक धारा इधर पे बहने लग गई, एक धारा इधर पे बहने लग गई, ठीक है। तो जब एक नदी से काफी सारी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनने लगती हैं, जो बहुत सारी नदियां हैं छोटे छोटे वो निकलने लगती हैं, और ऐसा कब होता है कि जब यहाँ पे जो नदी है वो समुद्र में मिलने जा रही होती है, ठीक है। तो जब ये नदी जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, जब वो यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तब वो इस तरीके से काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है, और बहुत सारे लैंड फॉर्म्स भी यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्म होते हैं। तो इस पूरे एरिया को, इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज को, ये वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, डेल्टा, ठीक है। जब नदी समुद्र में जाके मिलती है तो उस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं, डेल्टा। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। इसके साथ साथ प्लेन एरिया पे हमें काफी सारे ऑक्सबो लेक्स भी देखने मिलते हैं। ऑक्सबो लेक्स के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इनके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आपको सर्च करना है तो आप देख सकते हो कि ऑक्सबो लेक्स बाय इंटरनेट लर्निंग, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। अब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसून टाइप क्लाइमेट है, मतलब यहाँ पे इस एरिया में नॉर्मली हमें बारिश देखने मिलेगी, कि एक पर्टिकुलर सीजन में बारिश आती है, और वो बारिश जो है वो खेती बाड़ी के लिए फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, बहुत ज्यादा मदद करती है। द मॉनसून ब्रिंग्स रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। तो कब आती है जो बारिश, वो मिड जून से लेकर मिड सेप्टेम्बर तक यहाँ पे हमारे यहाँ मॉनसून सीजन रहता है। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कूल। हमारे यहाँ की मतलब की गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये जो एरिया है, यहाँ की जो गर्मियां होती हैं वो बहुत गर्मी गर्म होती हैं, बहुत ज्यादा हॉट रहती है, और जो ठंडी होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, राइट। सो अब इस वाले वीडियो में हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में जाना कि ये कहाँ पे है, किन लैटिट्यूड्स के बीच में पाया जाता है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो ये सब चीजें हमने जानी। अब नेक्स्ट जो वीडियो है, जो पार्ट है, उसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ की टॉपोग्राफी कैसी है, क्या क्या चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, लोग यहाँ पे किस तरीके से रह रहे हैं। सो पिछले वीडियो से हमने लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, और उस वीडियो में हमने बेसिकली जाना था कि ये एरिया कहाँ पे लाई करता है, गंगा रिवर की क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है, ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वहां पे किस जगह पे ज्यादातर लोग रहते हैं, लोग माउंटेन्स में रहते हैं कि प्लेन्स में रहते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी फसलें हैं जो वो उगाई जाती हैं, तो ये सभी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। द बेसिन हैज वेरीड टाइप टोपोग्राफी। टॉपोग्राफी क्या होता है, टॉपोग्राफी मतलब कि लैंड के जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, जमीन के ऊपर जो भी पहाड़, नदियां, लेक्स, रिवर्स, मतलब ये सभी चीजें क्या होती हैं, टॉपोग्राफी होती हैं। तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के हमें फिजिकल फीचर्स देखने मिलेंगे।
यहाँ पे पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, प्लेन्स भी हैं, तो अलग अलग फीचर्स जो हैं वो हमें देखने मिलते हैं। द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब किसी पर्टिकुलर जगह पे कितने ज्यादा लोग रहेंगे या फिर कहीं पे लोग रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, ये सब चीजें जो हैं वो सब डिसाइड करने में एनवायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जैसे कि द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। मतलब कि पहाड़ों की जो स्लोप्स होती हैं, ये पहाड़ हैं, ठीक है। अब अगर ये पहाड़ एकदम इस तरीके के होंगे ऐसे, इन पहाड़ों पे तो कोई नहीं रह सकता, यहाँ पे लोग कैसे घर बनाएंगे अगर इनकी ये जो ढलाने हैं ये फिर भी कुछ ऐसी हो, तो फिर भी यहाँ पे लोग जो है आराम से घर बना सकते हैं। बट अगर इस तरीके के स्टीप स्लोप्स होंगी, मान लो पहाड़ों की इतनी ज्यादा स्टीप होंगी, तो क्या लोग यहाँ पे घर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो देखो इस जगह पे लोग बहुत कम रहेंगे फिर, और इसके मुकाबले ये वाले जो पहाड़ है इन पे ज्यादा लोग रहेंगे। तो इस हिसाब से जो एनवायरमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। Therefore, less number of people live in the mountain areas of the Ganga Brahmaputra basin. अब क्योंकि जो माउंटेन वाला एरिया है वो लोगों के रहने लायक इतना ज्यादा सुविधाजनक नहीं होता, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम रहते हैं। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। वही जो प्लेन एरियाज होते हैं, जो समतल जमीन होती है, ऐसे होती है, ये वाले जो एरियाज होते हैं ये लोगों के रहने के लिए बहुत ही ज्यादा उचित होते हैं, राइट होते हैं। यहाँ पे लोग आसानी से रह पाते हैं, यहाँ पे घर भी हम आसानी से बना लेते हैं, घर बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती हमें। हम यहाँ पे खेती बाड़ी भी आसानी से कर लेते हैं, यहाँ पे रोड्स बनाए जा सकते हैं बहुत ही आसानी से, यहाँ पे प्लेन्स, जो भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, ट्रेन्स हैं, ये सभी चीजें जो है बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती हैं प्लेन एरिया में। वहीं माउंटेन एरिया में ट्रेन की जो लाइनें हैं वो आसानी से नहीं बिछ पाती, रोड्स जो है वो आसानी से नहीं बिछ पाते, तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो भी पहाड़ वाले इलाके हैं वहां पे लोग कम रहते हैं, और वहीं जो प्लेन्स हैं वहां पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। द सॉइल इज फर्टाइल। अब क्योंकि चारों तरफ नदियां ही नदियां हैं, ठीक है, तो यहाँ की जो सॉइल है वो क्या है, फर्टाइल होती है। हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, एलुवियल सॉइल होती है, कि जब नदियां बहती आती हैं और बीच में कभी बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, नदियों का पानी ओवरफ्लो हो जाता है, और जब पानी ओवरफ्लो होके आसपास के इलाकों में गिरता है तब वो वहां पे जो कंकड़ होते हैं, मिट्टी होती है, जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, फर्टाइल सॉइल होती है, वो छोड़ देता है, ठीक है। जब पानी कम हो जाता है तो पूरा पानी जमीन से लौट के वापस नदी में आ जाता है, और वो जो कण थे वो वापस से जमीन पे बैठ जाते हैं, ठीक है। कि ये नदी थी, ठीक है, ये ओवरफ्लो हुई, इसकी वजह से पानी जो है यहाँ यहाँ तक भी चला गया, ठीक है। पानी यहाँ तक जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कण बैठ जाएंगे मिट्टी के, और पानी वापस यहाँ पे आ जाएगा, बट जो कण है वो यहीं रह जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ये वाला पूरा जो एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल वाला एरिया है, राइट। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो जहां पे भी फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है, पानी अच्छा अवेलेबल होता है, यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, तो ये सभी कंडीशंस जो है एक एग्रीकल्चर को और ज्यादा बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है कि इस सूटेबल कंडीशन में एग्रीकल्चर लोग परफॉर्म करते हैं। कि यहाँ देखो आप, नदियां ही नदियां हैं, पानी की कोई कमी नहीं होगी, यहाँ पे सॉइल जो है वो फर्टाइल है, हर बार सॉइल जो है वो न्यू होती रहती है, रिन्यू होती रहती है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, यहाँ बारिश की भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर मतलब कि खेती बाड़ी करते हैं। लैंड भी प्लेन है, कि पहाड़ों में फिर भी खेती बाड़ी करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं इस एरिया में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, वो क्या करते हैं, वो खेती करते हैं। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज वेरी हाई। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि माउंटेन्स वाले इलाके में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, वहां पे सारी जो चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है ना, तो क्या होता है कि जो प्लेन वाला एरिया है वहां पे सभी चीजें काफी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वहां पे रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, इजी होता है। तो इसलिए वहां पे जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, प्लेन एरिया में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो बहुत ज्यादा होती है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, इट मींस द नंबर ऑफ पर्संस दैट लिव इन 1 square kilometer ऑफ एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है, मान लो ये 1 square kilometer का एरिया है, ठीक है, एक मतलब यहां से भी 1 किलोमीटर, यहां से भी 1 किलोमीटर, यहां से भी 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 square kilometer का ये एक एरिया है। अब इस एरिया में कितने लोग रहते हैं वो होगा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। मान लो कि एक कुछ लोग यहाँ रहते हैं, मान लो ऐसे करके, यहाँ पे मान लो 1 किलोमीटर में मान लो सिर्फ और सिर्फ
500 लोग रह रहे हैं, बहुत कम है, ठीक है, 1 किलोमीटर के एरिया में 500 लोग रह रहे हैं मान लो, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। और यही मान लो 5000 लोग रह रहे हैं, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है कि यहाँ पे 5000 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि जब 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189 व्हाइल द डेंसिटी ऑफ बंगाल इज 1029 एंड दैट ऑफ बिहार इज 1102। अब इसमें क्या है कि ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कि मतलब उत्तराखंड में ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 189। ये ऑन एन एवरेज होता है कि लगभग इतने होते हैं कि 189 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। अब हो सकता है कहीं पे 200 भी रह रहे हो, कहीं पे 300 भी रह रहे हो, कहीं पे 50 भी रह रहे हो, तो ये एवरेज सा निकाला जाता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो 189 बहुत ही कम है। वहीं वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ 1029 लोग हैं, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1029 पीपल ऑन एन एवरेज रहते हैं। और बिहार में कितना है, 1102, 1102 पीपल जो है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। तो अब आई होप कि आपको पॉपुलेशन डेंसिटी में कंफ्यूजन नहीं है। तो प्लेन्स एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अब उत्तराखंड में देखोगे पहाड़ी पहाड़ है वहां पे, ठीक है, वो पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे कितनी कम डेंसिटी है, सिर्फ लगभग 189 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। और वही बंगाल बिहार वाला जो एरिया है वो फिर भी थोड़ा प्लेन एरिया है। बंगाल में पहाड़ वगैरह होते हैं बट उतने ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे भी प्लेन जमीन है, तो प्लेन एरियाज में आप देखो कितने ज्यादा लोग रहते हैं। द मेन क्रॉप इज पैडी, सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशियंट वाटर, इट इज ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मेनली जो फसल उगाई जाती है वो है पैडी। पैडी मतलब होता है राइस, चावल, ठीक है। अब चावल की खेती के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है, अच्छी बारिश होनी चाहिए वहां पे, अच्छा पानी अवेलेबल होना चाहिए ताकि चावल की खेती हो सके। अब इस एरिया में तो हमें पता है पानी की इतनी कमी है नहीं, यहाँ पे बारिश भी होती है, यहाँ पे नदियां भी हैं, सॉइल भी फर्टाइल है, तो ये सभी जो कंडीशंस हैं, फैक्टर्स हैं, ये चावल की खेती के लिए बहुत ही अच्छे हैं, तो यहाँ पे चावल की खेती होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ चावल भी उगाए जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उगाई जाती हैं। वीट, मेज, सोरघम, ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन हियर। तो मेनली यहाँ पे चावल उगाया जाता है बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, सोरघम, ग्राम, चने वगैरह हो गया, मिलेट्स जो दाल वगैरह होती हैं, ये सब यहाँ पे उगाया जाता है। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। कैश क्रॉप मैंने आपको पहले भी बताया था, कैश क्रॉप क्या होती है, वो वाली क्रॉप्स होती हैं जो कि हम बेचने के लिए उगाते हैं, उसे हम खुद कंज्यूम करने के लिए नहीं उगा रहे। जैसे कि हमने वीट उगाए, वीट तो हम खुद घर में कंज्यूम करेंगे, मेनली हमारा जो पर्पज है वो वीट का क्या है कि हम अपने खाने के लिए उसको रख पाए, ठीक है, बचेगा तो हम बेच देंगे। बट जूट अगर हम उगा रहे हैं तो जूट में खाने वाला तो कुछ है नहीं, उसको हम क्या करेंगे, तो उसको मेनली हम किस लिए उगा रहे हैं, बेचने के लिए उगा रहे हैं। तो कैश क्रॉप्स वो होती हैं कि जिसको हम किस पर्पज से उगा रहे हैं कि हम इसको बेच सके, ठीक है। तो कैश क्रॉप्स मतलब शुगर क्रेन, गन्ना उगाया जाता है, इसके साथ जूट, जो सन की खेती होती है वो होती है, और बहुत सारे एरियाज में बनाना प्लांटेशन मतलब कि केले की जो खेती है वो भी देखने मिलती है। बंगाल और असम में क्या होता है, टी प्लांटेशन होती है, यहाँ पे चाय पत्ती जो है, दार्जिलिंग की जो चाय है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो यहाँ पे बहुत सारे टी गार्डन होते हैं, तो बंगाल एंड असम में टी उगाई जाती है। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। इसके साथ साथ क्या होता है, सिल्क की खेती भी की जाती है। कि सिल्क की खेती कैसे करते हैं, खेती भी नहीं एक्चुअली, सिल्क की को लोग बनाते हैं क्योंकि सिल्क उगता नहीं है, उसे क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म्स जो है उसकी हेल्प से सिल्क को बनाया जाता है। तो सिल्क कैसे बनता है कि सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, उनके जो एग्स होते हैं, एग्स भी नहीं एक्चुअली कुकून, कि जब सिल्क वॉर्म जो है जब वो मॉथ बनने की प्रक्रिया में होता है तब वो अपने चारों तरफ एक ब्लैंकेट सा बना लेता है, एक इस तरीके से कुकून बना लेता है। उसमें क्या करता है फिर वो, जैसे ये वॉर्म था, फिर इसके बाद इसमें से ये मॉथ निकल के आएगा, जैसे बटरफ्लाई टाइप्स वो निकल के आएगा। तो जो ये वाला कुकून होता है इससे क्या बनाया जाता है, इससे बनाया जाता है सिल्क, ठीक है। तो इस तरीके से सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं बिहार और असम में लोग और उससे सिल्क बनाते हैं। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस। अब
पहाड़ी वाले इलाकों में जहाँ पे स्लोप्स जेंटल है, मतलब कि एकदम स्टीप नहीं है, स्टीप हो गई एकदम ऐसे ही, बताओ यहाँ पे कोई चल भी नहीं पाएगा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, पर जहाँ पे स्लोप्स इस तरीके की हैं, ऐसे जेंटल हैं, अब यहाँ पे लोग खेती आराम से कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग होती है कि सीढ़ी नुमा जो खेती होती है ऐसे करके, कि पहाड़ को इस तरीके से काट लिया और फिर इस पे खेती हो रही है, या यहाँ पे उगा सकते हैं वो लोग इन टेरेसेस पे, फिर वो लोग खेती करते हैं, उगाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसमें प्लेन एरियाज में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, क्यों? क्योंकि माउंटेन एरियाज में इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता रहने के लिए, ठीक है। फिर प्लेन्स एरियाज में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है पॉपुलेशन की प्लेन्स एरियाज में, और यहाँ पे मेनली क्या क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ये सभी चीजें हमने इस वीडियो में देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये सब की बात करेंगे, ठीक है। सो हम लोग लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन डिस्कस कर रहे थे, और इसका हमने ऑलरेडी जो ऊपर वाले पैराज हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो कहाँ पे है, इसका क्या क्लाइमेट है, यहाँ पे किस तरीके के जो लैंडफॉर्म्स हैं, टोपोग्राफी है वो कैसी है, लोग किस तरह के एरियाज में रहते हैं, तो ये सभी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अब मतलब कि हमने दो पार्ट इस टॉपिक पे बना चुके हैं ऑलरेडी, पार्ट वन एंड पार्ट टू, और अब इस वीडियो को पार्ट थ्री कहेंगे हम, ये पार्ट थ्री होने वाला है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ पे किस तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस तरीके के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये सब चीज हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो अब हमने पहले ही पढ़ा था कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है इसमें अलग अलग तरीके की टॉपोग्राफी, अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, अलग लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं यहाँ पे, डेल्टा है, प्लेन्स हैं, तो ये सब अलग अलग लैंड फॉर्म्स हो गए। तो अगर अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं तो वहां पे जो पाए जाने वाली वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं, वो सब भी अलग अलग होंगे। तो इसलिए पूरे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में एक ही तरह के पेड़ पौधे, एक ही तरह के जानवर नहीं पाए जाते, यहाँ अलग अलग तरह के जो वेराइटी है वो हमें देखने मिलेगी। पहाड़ों पर कुछ पेड़ पौधे पाए जाते होंगे, प्लेन्स में अलग तरीके के, डेल्टा में और थोड़े अलग तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेजिडियस ट्रीज ग्रो अलॉन्ग विथ टीक, साल एंड पीपल। तो जो प्लेन्स हैं, अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के प्लेन वाले एरिया की बात करें, समतल जमीन की बात करें, तो वहां पे ट्रॉपिकल डेजिडियस ट्रीज जो हैं वो पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेजिडियस ट्रीज कौन से होते हैं? डेजिडियस वो वाले ट्रीज होते हैं जो कि मॉनसून टाइप क्लाइमेट में उगते हैं। तो ट्रॉपिकल मतलब कि हम ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। अब क्योंकि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो भी सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो ट्रॉपिकल डेजिडियस मतलब ऐसे ट्रीज जो कि मॉनसून वाले क्लाइमेट में पाए जाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में अपने लीव्स को शेड करते हैं, पत्ते झाड़ते हैं अपने, गिरा देते हैं, ठीक है, ताकि वो पानी को कंजर्व कर सके, तो वो होते हैं ट्रॉपिकल डेजिडियस ट्रीज। तो कौन कौन से ट्रीज, जैसे कि टीक हो गया, साल, पीपल, तो ये कुछ ट्रीज हैं जो कि यहाँ पे हमें कॉमनली देखने मिलते हैं। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वहां पे थिक बंबू ग्रेव्स देखने मिलेंगे। तो जो बैम्बू है वो अगर आप बंगाल वाले एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको देखने मिलेगा, आपको जगह जगह बैम्बूज देखने मिलेंगे, बहुत ही कॉमन है। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन मतलब कि ये वाला जो एरिया है पूरा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बैम्बू ग्रोव्स देखने मिलेंगे, जो बांस है वो बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद मैनग्रोव फॉरेस्ट। सो जो डेल्टा वाला रीजन है, डेल्टा हमने मैंने अभी जस्ट कुछ पिछले वीडियो में बताया था कि डेल्टा क्या होता है, कि जहां पे जो नदी है वो समुद्र में जाके मिलती है, तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह बनाती है, तो उस पूरे वाले इलाके को, मान लो ये मेन नदी थी इसने, और यहाँ पे सी है, ठीक है, ये समुद्र है, ये सी है, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा हो गया एरिया होगा जहां पे जो नदी है वो समुद्र में आके मिल रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, इन सबको हम क्या कहेंगे? डेल्टा। ये वाला पूरा एरिया होता है डेल्टा, जहां पे नदी मिलती है जाके समुद्र में। तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे देखो नदी जो है वो मिल रही है आके, ठीक है, तो ये क्या हो गया? डेल्टिक रीजन हो गया। तो यहाँ पे कैसे पेड़ पौधे देखने मिलते हैं? यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट है। मैनग्रोव फॉरेस्ट वो वाले फॉरेस्ट होते हैं जो कि सलाइन वाटर में हमें देखने मिलते हैं, जो कि खारे पानी में होते हैं। मतलब कि समुद्र क्या होता है? समुद्र का पानी नमकीन होता है, खारा होता है, तो समुद्र के आसपास जो कोस्टल एरियाज में हमें पेड़ देखने मिलते हैं उन्हें हम मैनग्रोव ट्रीज, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये वाले जो
ट्रीज होते हैं वो आधे पानी में डूबे रहते हैं और उनकी जड़ें जो हैं वो आपस में इस तरीके से टैंगल्ड होती हैं, इस तरीके से होती हैं। तो ये पिक्चर है एक मैंग्रोव फॉरेस्ट की और आप देखोगे यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो किस तरीके से पानी में डूबे हुए हैं और इनकी जो जड़ें हैं वो एकदम इस तरीके की हैं, एकदम टैंगल्ड हैं। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, कोनीफेरस ट्रीज लाइक पाइन, पाइन, देवदार एंड फिर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। तो यहाँ पे सारी पहाड़ी स्टेट्स का, एक तरीके से ऐसे स्टेट्स का नाम दिया हुआ जहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने मिलेंगे। तो उत्तराखंड है, यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है, सिक्किम में भी पहाड़ है, अरुणाचल प्रदेश, तो ये वाले जो इलाके हैं ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे हमें कोनीफेरस ट्रीज देखने मिलेंगे। ठीक है, कोनीफेरस ट्रीज कौन से होते हैं, जो इस तरीके से कोन की शेप में होते हैं और जिनके लीव जो है वो भी पॉइंटेड होते हैं, इस तरीके से उनके लीव्स भी इस तरीके से पॉइंटेड ही होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्रिसमस ट्री होता है ना, तो वैसे होते हैं कोनीफेरस ट्रीज जो कि कोन की शेप में होते हैं। तो और भी ट्रीज के नाम दिए हुए हैं जैसे कि पाइन हो गया, देवदार हो गया, फिर हो गया, तो ये कुछ ट्रीज हैं जो कि कॉमनली हमें उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश वाले एरियाज में देखने मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में हमें कोनीफेरस ट्रीज देखने मिलेंगे, बट इन्हीं स्टेट्स का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये जो स्टेट्स हैं ये कहाँ पे हैं, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आती है मेनली, और यहाँ पे हमें कोनीफेरस ट्रीज देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है और ठंड के इलाके में हमें कोनीफेरस ट्रीज देखने मिलते हैं। फिर अब बात करते हैं हम वाइल्ड लाइफ की। देयर इज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के जानवर जो है वो देखने मिलते हैं। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स, मॉन्कीज आर कॉमन हियर। तो यहाँ पे जो कॉमनली हमें जानवर देखने मिलते हैं वो है हाथी हो गए, टाइगर्स, डियर्स, मॉन्कीज, तो ये हमें कॉमनली देखने मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन में हमें वन हॉर्न राइनोसोरस देखने मिलते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये वन हॉर्न राइनोसोर है, यहाँ पे सर्कल में दिखाया हुआ है इसका एक हॉर्न, ये इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे आपको इसका एक हॉर्न देखने मिलेगा। ये वन हॉर्न राइनोसोरस की पिक्चर है, और वन हॉर्न राइनोसोर हमें कहाँ देखने मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन में हमें कॉमनली देखने मिलते हैं। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर फाउंड। तो जो हमारा डेल्टा वाला रीजन है वहां पे बंगाल टाइगर्स देखने मिलते हैं। तो ये है पिक्चर बंगाल टाइगर की, और यहाँ पे आप क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर को देख सकते हो। वैसे आपको हो लगता होगा कि दोनों सेम ही है, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है कि जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो क्रोकोडाइल है उसका जो मुंह होता है थोड़ा सा वी शेप्ड होता है, बट एलिगेटर का जो है थोड़ा सा यू शेप्ड होता है, और इनके कलर में भी डिफरेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, बट आप नॉर्मली ये देख सकते हो। तो ये सब बंगाल टाइगर हो गया, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, तो ये हमें कहाँ देखने मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में, इन डेल्टिक रीजन में, जो डेल्टा वाला एरिया है वहां पे हमें ये देखने मिलते हैं। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। तो यहाँ पे अलग अलग जो वाटर बॉडीज भी हैं, यहाँ पे लेक्स हैं, फ्रेश वाटर रिवर्स भी हैं, और बे ऑफ बंगाल वाली सी भी है। तो इन सब में हमें अलग अलग तरीके के जो एक्वेटिक लाइफ है वो देखने मिलती है। लेक्स में थोड़ी अलग एक्वेटिक लाइफ होती है, सीज में अलग होती है, जो रिवर्स होती है उसमें थोड़ी अलग होती है, तो हर तरीके के यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ भी देखने मिलती है। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ द फिश आर रोहू, केटला एंड हिल्सा। तो बहुत ही ज्यादा जो कॉमनली यहाँ पे मछलियां पाई जाती हैं वो है रोहू, केटला एंड हिल्सा फिश। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। तो जो स्पेशली अगर मैं बोलूं, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के आसपास जो लोग रहते हैं, इनके स्टेपल डाइट क्या है, फिश एंड राइस। ठीक है, तो मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो कि जो स्टेपल फूड है, नॉर्मली जो लोग खाते हैं वो है मछली और चावल, आपने माछ भात सुना होगा, तो ये यहाँ का स्टेपल डाइट है। अब यहाँ पे ये डू यू नो सेक्शन दिया हुआ है। टेरेसेस आर बिल्ट ऑन द स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनकी स्लोप्स होती हैं, स्लोप्स पे अगर हम खेती करेंगे तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे आपने गलती से कोई पेड़ उगा भी दिया, मान लो फसल उगा दी, बट उसको पानी कैसे दोगे? पानी डालोगे, पानी तो बह के नीचे चला जाएगा, तो पानी रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं, वो टेरेस फार्मिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, इसकी स्लोप्स को काट के फ्लैट लैंड बना देते हैं, इस तरीके से टेरेसेस बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इन्हें फ्लैट लैंड मिल गई ऐसे करके, अब यहाँ पे ये फ्लैट लैंड हो गई, यही यहाँ पे अब आराम से फसल उगा सकते हैं। अब अगर वो लोग पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी जो है यहाँ पे रुक जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, जो फ्लैट लैंड बनाई है, जो सीढ़ी बनाई है, इसके आगे थोड़ी सी मेड टाइप भी लगा देते हैं ताकि जब पानी यहाँ पे डालें तो पानी रुक जाए। ऐसे ही
फिर ये लोग पहाड़ों पे खेती करते हैं, तो आप पिक्चर देख सकते हो टेरेस फार्मिंग की। सो इस सेक्शन में हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो ट्रीज पाए जाते हैं, कैसे ट्रीज पाए जाते हैं, कोनिफेरस ट्रीज हो गए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, वो सब पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी देखने मिलते हैं, फिर एनिमल्स किस तरीके के पाए जाते हैं यहाँ पे, फिशेस, तो ये सब चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। हम लोग लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, किस तरीके के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन के बारे में हमने बात की। और अब इस वीडियो में जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, ठीक है, पार्ट 4, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लोग जो हैं किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, मतलब कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरीके का बेसिकली माहौल होता है, क्या क्या एक्टिविटीज लोग कर रहे होते हैं, तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद दिस स्टोरी, लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अ केस स्टडी, ठीक है, तो एक केस स्टडी है जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से एक गांव के लोग एक लेक पे डिपेंड करते हैं अपनी आजीविका के लिए। विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली मोन विलेज ऑफ बिहार। विनोद एक मछुआरा है, फिशरमैन है, जो कि बिहार के मतवाली मोन विलेज में रहता है। ही इज अ हैप्पी मैन टुडे, और वो बहुत ही खुश रहता है। विद द एफर्ट्स ऑफ द फेलो फिशरमैन रविंदर, किशोर, राजीव एंड अदर्स, ही क्लीन द मोन और द ऑक्सबो लेक। तो अपने दूसरे साथियों के मदद से विनोद ने क्या किया, एक ऑक्सबो लेक था, मौन जो था, एक लेक था इनके गांव में, उसको क्लियर किया, उसको साफ किया। क्यों साफ किया? ताकि वो वहां पे अलग अलग वैरायटी की फिशेस, मछलियों को कल्टीवेट कर पाए। अब ऐसे गंदगी में तो कोई भी चीज नहीं रह पाती ना, मछलियों को भी एक प्रॉपर साफ सुथरा पानी चाहिए होता है, हर चीज के रहने के लिए एक अपनी कंडीशंस होती हैं। तो उसको लेक को इस कंडीशन में लाने के लिए कि वहां पे मछलियां जी पाएं, तो क्या किया उसने, विनोद ने अपने साथियों के साथ मिलके उस पूरे लेक को क्लीन किया ताकि वो मछलियों को वहां पे पाल सके। द लोकल वीट वेलिनेरिया एंड हाइड्रेला दैट ग्रोज इन द लेक इज द फूड ऑफ द फिश। तो ये कुछ लोकल वीड हैं वेलिनेरिया एंड हाइड्रेला जो कि इस लेक में पाए जाते हैं। ये है वेलिनेरिया, देखो पानी में किस तरीके से घास सी उगी हुई है, और ये है हाइड्रेला, देखो कि पानी के नीचे इस तरीके से घास घास उगी हुई है। तो ये जो वीड्स हैं ये मछलियों के खाने के रूप में काम करते हैं, मछलियां इन्हें खाती हैं और अपना पेट भरती हैं। द लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल। अब इस लेक के आसपास जो भी लैंड है, जमीन है, वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, मतलब कि यहाँ पे फसल जो है वो आराम से उगाई जा सकती है। ही सोज क्रॉप्स सच एज पैडी, मेज एंड पल्सेस इन दीज फील्ड। तो विनोद क्या करता है, इस लेक के आसपास जो भी खेत हैं उनमें पैडी मतलब कि जो राइस होते हैं, चावल, मेज मतलब कि मक्का, और पल्सेस अलग अलग तरह की दालें, वो इन फील्ड्स में उगाता है। द बफेलो इज यूज टू प्लग द लैंड। तो खेत को जोतने के लिए मतलब कि उसको बीज वगैरह डालने के लिए पहले खेत को जोता जाता है ना, आपने देखा होगा कि बैल के गर्दन पे इस तरीके से हल होता है, और फिर वो आगे एक बैल चलता जाता है, और पीछे से जमीन जो है वो खुदती जाती है, उसमें गड्ढा सा होता जाता है, तो वो क्या है, प्लग करना होता है लैंड को ताकि उसमें बीज डाले जा सके और फसल उग सके। तो बफेलो जो है मतलब भैंस जो है उसको यूज किया जाता है प्लगिंग के लिए। द कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड। कम्युनिटी मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं, झील के आसपास के जो लोग हैं, मतवाली मौन विलेज के जो लोग हैं, वो बहुत ही खुश हैं, वो सेटिस्फाइड है, मतलब जैसी उनकी जिंदगी चल रही है वो उससे संतुष्ट हैं। देयर इज इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, इनफ फिश टू ईट एंड इनफ फिश टू सेल इन द मार्केट। मतलब कि लेक में से जो भी मछलियां उन्हें मिलती हैं वो इनफ है, मतलब कि पर्याप्त हैं, इतनी मात्रा में उन्हें मछलियां मिल जाती है कि वो चैन से खा भी लें और बेच भी लें, ठीक है, मतलब खाने के लिए तो मिलती ही मिलती है उन्हें, और इतनी ज्यादा मात्रा में मिल जाती हैं कि वो मछलियों को बेच के थोड़ा पैसा भी कमा लेते हैं। दे हैव इवन बिगिन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन। अब उन लोगों ने मछलियों को अपने आसपास के जो टाउन है, शहर है, वहां पे भी बेचना स्टार्ट कर दिया है। द कम्युनिटी इज लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। तो जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, ये नेचर के साथ, प्रकृति के साथ बहुत ही प्यार से मिलजुल के रह रही हैं। एज लॉन्ग एज द पॉलिटेंट्स फ्रॉम द नियर बाई टाउन डू नॉट फाइंड देयर वे इन टू द लेक वाटर, द फिश कल्टिवेशन विल नॉट फेस एनी थ्रेट। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जब तक कि आसपास के शहरों से जो पॉलिटेंट्स हैं, जो गंदगी है वो लेक में नहीं आती है, तब तक हमारे मतलब इनके गांव की जो ये सेटिस्फेक्शन बनी हुई है, जो हार्मनी है, वो अच्छी है, मतलब कि
क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक कि जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो गंदगी है, इस लेक में नहीं आ जाते, तब तक यहाँ पे जो मछली का उत्पादन है वो अच्छे से बना रहेगा, इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आसपास के टाउन से पॉल्यूटेंट्स आके लेक में मिल जाएंगे तो ये लेक का पानी गंदा हो जाएगा, और लेक का पानी अगर गंदा हो गया तो मछलियां यहाँ पे जी ही नहीं पाएंगी, और अगर मछलियां जी नहीं पाएंगी तो फिर जो फिशरमैन है वो कैसे मछलियों को पकड़ेंगे और खाएंगे और बेचेंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब तक कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इस लेक से दूर हैं, तब तक इन लोगों की जिंदगी जो है वो खुशहाल तरीके से चलती रहेगी, बट एक बार पॉल्यूशन आ गया यहाँ पे तो मछलियों की जो उत्पादन है वो नहीं हो पाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस दिस डू यू नो सेक्शन। इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सुसु ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन इज फाउंड। तो गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, यहाँ पे फ्रेश वाटर है, और इस फ्रेश वाटर में एक डॉल्फिन की वैरायटी मिलती है, मतलब एक तरह की डॉल्फिन मिलती है जिसको सुसु या फिर ब्लाइंड डॉल्फिन कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। मतलब कि अगर इन नदियों में ये डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन पाई जाएगी, इससे हमें उस रिवर की हेल्थ का पता चलता है कि उस रिवर का स्वास्थ्य कैसा है। स्वास्थ्य मतलब कि पानी गंदा है कि नहीं। क्यों? द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दिस स्पीशीज। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगर ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन्स हैं, अगर ये रिवर में रहती हैं तो ये एक हेल्थ का इंडिकेशन करती है, मतलब कि जो रिवर है वो हेल्दी है, क्योंकि ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन है ये एक साफ पानी में ही रह पाती हैं। अगर वहां पे पानी गंदा होगा तो डॉल्फिन जो है वहां पे जी ही नहीं पाएगी, वो मर जाएगी। तो इसीलिए अगर रिवर में कहीं पे डॉल्फिन पाई जाती है, इसका मतलब वो पानी जो है वो साफ है। बट हो क्या रहा है कि आसपास के शहरों से जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो गंदा वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, मतलब क्या फैक्ट्री में जो भी कचरा वगैरह है, वो लोग क्या करते हैं, वो नदियों में बहा देते हैं, नदियों में भी डाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये नदियों का पानी गंदा हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, और उससे क्या होगा कि ये जो डॉल्फिन्स हैं ये जी नहीं पाएंगी। द केमिकल्स आर किलिंग दीज स्पीशीज, मतलब कि ये जो स्पीशीज है डॉल्फिन की जिसे हम सुसु कह रहे हैं, तो ये जो डॉल्फिन है वो इस केमिकल की वजह से, इस गंदे पानी की वजह से दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो हमें जरूरत है कि हम अपने नदियों को साफ रखें ताकि इस तरीके की जो स्पीशीज हैं, जो एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, वो सही तरीके से इस एनवायरमेंट में बने रहें, ताकि वो खत्म ना हो जाएं। और हम लोग बात करते हैं ना कि किसी जानवर के को बचाना है, जैसे टाइगर कंजर्वेशन चलता है कि टाइगर को बचाना है, टाइगर लुप्त हो रही है, इसी तरीके से ये डॉल्फिन जो है, ब्लाइंड डॉल्फिन, ये लुप्त हो रही है तो इसको भी बचाना है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अर्थ पे जो भी चीजें हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आपने लाइफ साइकिल के बारे में, फूड चेन के बारे में सुना होगा, किस तरीके से फूड चेन चलती है। कि मान लो छोटा मोटा कीड़ा है, कीड़े को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खा जाएगा, सांप को बाज खा जाएगा, बाज को कोई और खा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक फूड चेन होती है, और अगर इस फूड चेन में से किसी भी एक जानवर को निकाला जाएगा तो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे बाकी सभी जो स्पीशीज हैं, बाकी सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को भी खतरा होता है। अब मान लो हम लोग का फेवरेट मान लो आम है, अगर आम जो है इस धरती से खत्म हो जाएगा, या फिर पूरे अर्थ पे मान लो एक ही चीज है जो हम खाते हैं, आम, ठीक है। बट अगर धीरे धीरे आम जो है इस पॉल्यूशन की वजह से खत्म होते जा रहे हैं, अब वो बचेंगे ही नहीं, अब आम खत्म हो गया तो फिर हम क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं खा पाएंगे। मतलब मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन ले रही हूँ कि मान लो हम सिर्फ और सिर्फ आम खाते हैं, तो अगर आम नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या खाएंगे? हमारे खाने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। और तो आम खत्म होने की वजह से क्या होगा? हम भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? हम भूखे मर जाएंगे। तो इसी तरीके से, इस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई भी स्पीशीज है, कोई भी जानवर है, उसको हमें बचाना है। और बच कैसे सकते हैं? जब हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे। ये सब जितना भी स्पीशीज जो है वो खतरे में जा रहे हैं, वो 90% हमारी वजह से जा रहे हैं, इंसानों की वजह से, ठीक है। सो टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट फोर्स ऑन सैनिटेशन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2014। अब जैसे कि हमने इस लेक के बारे में बात की कि अगर पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो इस लेक में आ जाएंगे तो मछलियां नहीं जी पाएंगी, हमने ब्लाइंड डॉल्फिन की बात की कि अगर पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे आएंगे तो जो ब्लाइंड डॉल्फिन है वो खत्म हो रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के एक यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज के लिए, कि हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो साफ रहे, सैनिटाइज रहे, कोई भी गंदगी ना हो, इन सब के लिए
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया, 2 अक्टूबर 2014 मतलब गांधी जयंती के दिन, जो कि गांधी जी का भी एक सपना था स्वच्छ भारत का, तो इसीलिए 2 अक्टूबर 2014 में क्या किया, स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको लॉन्च किया। और इसका एम क्या है कि हम अपने भारत को और ज्यादा स्वच्छ बनाएं, कि हम आसपास से जो गंदगियां हैं वो हटाएं। और वो कैसे होगा, बस गंदगी को उसके सही जगह पे डालना है, कचरे को रोड पे डालने के बजाय क्या करना है, उसको डस्टबिन में डालना है। तो बस इन छोटी छोटी चीजों से हम जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको अचीव कर सकते हैं, जो गोल है हमारा इसको अचीव कर सकते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। अभी जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं, इनके आसपास बहुत बड़ी बड़ी सिटीज और टाउन्स हैं। द सिटीज ऑफ अलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लैक्स आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। अब ये कुछ सिटीज के नाम दिए हुए हैं, अलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, आपने इन सब सिटीज के नाम सुने होंगे। तो ये सब सिटीज जो हैं गंगा रिवर के आसपास पाई जाती हैं, और इन सिटीज में 10 लाख 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, हर एक सिटी में। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इन टू द रिवर। बट हो क्या रहा है, इन सभी टाउन से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो गंदगी है, उसको कहाँ कर दिया जा रहा है, डंप इन रिवर्स में। अब बताओ, हम गंगा को गंगा मैया कहते हैं, ठीक है, गंगा माँ कहते हैं, और कर क्या रहे हैं, उस गंगा माँ में हम कचरा डाल रहे हैं। बताओ, कोई अपनी माँ पे कोई कचरा डालता है? नहीं ना। बट फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम गंगा माँ को इतना ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस नदी में रहने वाले जो जानवर हैं, मतलब कि जो मछलियां हैं, जो भी एक्वेटिक लाइफ है वहां पे, वो भी खतरे में पड़ रही है। उसके साथ साथ हमारे लिए भी खतरा हो रहा है, कि हमारे लिए अल्टीमेटली पानी कहाँ से आएगा, नदियों से आएगा, नदियों का पानी पॉल्यूटेड है, गंदा हो रहा है, तो हम फिर गंदा पानी पियेंगे तो हम भी बीमार होंगे ना। मतलब कि हम खुद ही अपनी लाइफ को खतरे में डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वगैरह आता है, उसको लोग क्या करते हैं, वो इन नदियों में डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। दिस लीड टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, नदियों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गंदगी बढ़ रही है। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसमें चारों तरह के जो वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, कौन कौन से, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, तो ये सभी तरह के जो ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ये काफी अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पे उपलब्ध हैं। इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जो प्लेन एरियाज हैं, जो समतल जमीन वाले एरिया हैं, वहां पे रोड एंड रेलवेज जो है, रोडवेज एंड रेलवेज, वो लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने का काम करते हैं। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर्स। और वाटरवेज भी जो है वो काफी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, कि वो भी जैसे सामान वगैरह है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं इन नदियों के थ्रू, ठीक है। जो शिप्स हैं, जहाज हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लोगों को भी ले जाते हैं और सामानों को भी ट्रांसफर करते हैं। तो वाटरवेज भी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। तो जो हुगली रिवर है उस पर पोर्ट है, जो बंदरगाह होता है, तो कोलकाता में पोर्ट है, ये एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है, ये हमारी कंट्री को बाकी आसपास वाले इलाके से भी कनेक्ट करता है, और कंट्री के भी जो दूसरे पोर्ट्स हैं उनसे सामान जो है यहाँ पे जाता है। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स भी हैं यहाँ पे, काफी सारे एयरपोर्ट्स हैं, मतलब जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हमारे जो चार मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो अच्छे तरीके से आपको यहाँ देखने मिलेंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं प्लेन एरियाज में रहते हैं, क्यों, तो क्यों उनके लिए जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो आराम से अवेलेबल हैं यहाँ पे। टूरिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। अब यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक फायदा पहुंचाता है सिटीज को। टूरिज्म, जैसे कि टूरिज्म प्लेस की बात करें, ताजमहल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिज्म साइट है, यहाँ पे दुनिया भर से लोग जो हैं ताजमहल को देखने आते हैं। तो ताजमहल कहाँ पे है, जो यमुना रिवर है उसके पास स्थित है, यमुना रिवर के साइड में ताजमहल जो है वो हमें पाया मिलता है। और कहाँ पे है, किस सिटी में है, आगरा सिटी में, तो इसके बारे में तो हम सबको पता ही है। अलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा एंड यमुना। तो अलाहाबाद जो सिटी है वो जहाँ पे रिवर गंगा और यमुना जाके मिलते हैं, वहां पे अलाहाबाद सिटी है। बुद्धिस्ट स्तूपाज इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो जो बुद्धिस्ट स्तूपाज हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में, उन्हें भी दुनिया भर से लोग यहाँ देखने आते हैं। लखनऊ विद इट्स इमामबरा, असम विद काजीरंगा एंड मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज,
And Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं, उन सबके नाम दिए हुए हैं। ताजमहल हो गया, अलाहाबाद हो गया, ठीक है, फिर बुद्धिस्ट स्तूपास जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलते हैं। इसके साथ साथ जो लखनऊ का इमामबाड़ा है, असम में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो बहुत ज्यादा फेमस है, मानस की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो इन सब में लोग जो है वो घूमने जाते हैं। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर है, मतलब कि वहाँ के लोग जो है, वहाँ की जो ट्राइब्स हैं उनका एक बहुत ही अलग सा कल्चर है, वो हमसे काफी अलग तरीके से लाइफ जीते हैं और वो नेचर के साथ हार्मनी बना के जीते हैं, वो प्रकृति को नुकसान कम से कम पहुंचाते हैं। तो उनका जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा होता है देखने में और वो अपनी लाइफ को काफी अच्छे से वहां पे जी रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है उनकी लाइफ को भी देखने जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में नेचर भी जो है वो काफी अच्छा है, तो लोग इन सिटीज में घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइगर की पिक्चर दे रखी है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और यहाँ पे एक और डू यू नो सेक्शन है, टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। अब हमने पढ़ा कि किस तरीके से ये जो सिटीज हैं लखनऊ अलाहाबाद कानपुर वगैरह, ये जो भी सिटीज हैं ये क्या कर रही हैं, इनके आप जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सब रिवर गंगा में जाके डंप कर देते हैं, तो उससे हमारी नदी पॉल्यूट हो रही है। तो एक नमामि गंगे करके प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है ताकि गंगा रिवर को कंजर्व किया जा सके, कंजर्व मतलब उसके पानी को साफ किया जा सके, ठीक है, हम नदी को गंदा होने से बचा सकते हैं। तो उसी लिए जो नमामि गंगे प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया गया है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 7 ज्योग्राफी। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर एंड गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। Thank you.